हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के नेटिव एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग डे। सूरज निकला हुआ है, बहुत रोशनी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज प्रेजेंटेशन डाल दी है 10 AM से लेकर 2:30 PM तक चलती है, जिसमें ककाटू कीपर टॉक 10 AM को शुरू होकर 2:30 को कंजर्वेशन इन एक्शन शो तक की इंफॉर्मेशन है। मैंने एनिमल इनकाउंटर्स के भी टाइमिंग और टिकट्स प्राइस स्क्रीन पर डाल दी हैं, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। गोइंग इनटू द वॉम्बैट एनकाउंटर टॉक, I've got some food for the wallabies and kangaroos. Guys, wombats एक fascinating marsupials native है ऑस्ट्रेलिया के। मैं आपको बताता हूँ कुछ interesting facts about wombats. सबसे पहला जो है वो है इनका cube shaped poop। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये एक unique feature है wombats के। इनकी poop cube shaped की होती है। ये poop unusual shape की वजह से rolling नहीं करते और wombats को अपनी territory mark करने में मदद करते हैं। Scientists believe करते हैं कि ये इसलिए possible है क्योंकि इनके intestine में काफी इलास्टिसिटी होती है। वॉम्बैट कीपर टॉक शुरू होने वाला है, तो हम आपको यो वॉम्बैट कीपर टॉक शो भी दिखाते हैं। वॉम्बैट्स की 3 तरह की स्पीशीज हैं, कॉमन वॉम्बैट, नॉर्दर्न हेरी नोस्ट वॉम्बैट और सदर्न हेरी नोस्ट वॉम्बैट। नॉर्दर्न हेरी नोस्ट वॉम्बैट्स काफी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो कि सिर्फ लेस देन 300 इंडिविजुअल्स में बचे हैं वाइल्ड लाइफ में। ये काफी एक्सेलेंट डिगर्स विद स्ट्रॉन्ग क्लॉज एंड स्टर्डी बॉडी के साथ होते हैं। ये काफी एक्सटेंसिव बरो सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि 30 मीटर भी लंबी हो सकती है। इनके बरोज इनको शेल्टर और प्रेडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। कार्टिलेज बट आर्मर, वॉम्बैट्स के रियर एंड में एक थिक पैच ऑफ कार्टिलेज होती है, जिसे डर्मल शील्ड कहते हैं। ये टफ रियर प्रेडेटर्स को उनके बरो में घुसने से रोकने में यूज करते हैं, उसे ब्लॉक करने में इस्तेमाल करते हैं। स्लो मेटाबोलिज्म, वॉम्बैट्स की मेटाबोलिज्म काफी स्लो होती है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं रिलेटिवली लो न्यूट्रिएंट्स डाइट पर, जैसे कि ग्रास और रूट्स। इनके मील को तकरीबन 14 से अधिक दिन लगते हैं फुली डाइजेस्ट होने में, है ना इंटरेस्टिंग। वॉम्बैट्स मार्सुपियल्स हैं विद बैकवर्ड फेसिंग पाउचेस, लाइक कैंगरूज वॉम्बैट्स भी मार्सुपियल्स हैं, मीनिंग ये अपने बच्चों को कैरी और नर्स करते हैं अपने पाउचेस में, लेकिन वॉम्बैट्स के पाउचेस पीछे की तरफ होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं डर्ट को जब ये डिगिंग करते हैं। नॉक्टर्नल हैबिट्स, वॉम्बैट्स मोस्टली नॉक्टर्नल, मीनिंग ये मोस्ट एक्टिव रात को ही होते हैं, दिन के वक्त ये अपने बरों में ही रहते हैं। इनकी लाइफ स्पैन 15 साल से विल्डरनेस में होती है और इवन लॉन्गर अप टू 30 years इन कैप्टिविटी। ये रेजिलिएंट और क्विकी एनिमल काफी वेल अडेप्टेड है यहाँ के एनवायरनमेंट में, जो कि इनको बनाते हैं काफी यूनिक और बिलवड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में है इमू, ये है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड। तो गाइस, आपको अब हम मिलवाते हैं इमू से, जो कि है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड। ईमयू एक लार्ज फ्लाइटलेस ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है और ये सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेकंड ओनली टू ऑस्ट्रिच। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ ईमयू के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1 आता है फास्ट रनर, ये एक इनक्रेडिबली फास्ट रनर है, कैपेबल है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुँचने में। इनके पास है लार्ज पावरफुल लेग्स, जो कि इनको अलाउ करते हैं लार्ज स्ट्राइड्स लेने में। ये अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। यूनिक फेदर्स, अनलाइक मोस्ट बर्ड्स, ईमयू के डबल शाफ्टेड फेदर्स होते हैं, इसका मतलब है फेदर्स हैज टू शाफ्ट्स कमिंग फ्रॉम सिंगल क्विल। इनके फेदर्स काफी सॉफ्ट होते हैं, जो कि इंसुलेशन की तरह से काम करते हैं, हेल्प करते हैं इन्हें दोनों हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट में। एक्सेलेंट स्विमर्स, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्विमर्स हैं और जरूरत पड़ने पर रिवर्स और लेक्स को क्रॉस भी कर सकते हैं। ये ओमनिवोरस बर्ड है, ये वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स और इंसेक्ट को खाते हैं। ये स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स को भी स्वॉलो कर लेते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इनके फूड को ग्राइंड अप करने में इनके गिजर्ड में। नेशनल सिंबल, इम्यू और कैंगरू को फीचर किया गया है ऑस्ट्रेलिया के कोट ऑफ आर्म्स पर। यह सिंबलाइज करता है मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपको पता है दोनों ईमयू और कैंगरू दोनों ही फॉरवर्ड ही चल सकते हैं, वो कभी बैकवर्ड नहीं चल सकते। तो गाइस, अब हम आपको मिलवाते हैं वेस्ट टेल ईगल से, जिसे अकीला ओडेक्स भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे है और वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव रैप्टर्स है पूरे वर्ल्ड में। डिस्टिंक्टिव टेल शेप होती है इनकी, वेस्ट शेप टेल, जो कि लॉन्ग और ब्रॉड होती है।
इनकी विंग स्पैन अप टू 2.8 मीटर्स यानी कि 9.2 फीट और वे करते हैं 3.5 से 5.3 किलोग्राम्स तक। फीमेल जनरली मेल से ज्यादा लार्जर होती हैं। ये इनक्रेडिबल विजन रखते हैं, इंसानों से 8 गुना ज्यादा शार्पर होती है इनकी आई साइट जो कि एक्सेप्शनल है। ये अपने शिकार पर काफी दूर से और काफी आसमान की ऊंचाई से भी नजर गड़ा लेते हैं। ये प्राइमरली स्मॉल टू मीडियम साइज मैमल्स को खाते हैं मगर ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कैरियंस का भी शिकार करते हैं। ये पावरफुल हंटर्स होते हैं, ये अपने से भी बड़े आकार के जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। ये यंग कैंगरूज, इम्यूज और इवन लाइफ स्टॉक का भी शिकार कर लेते हैं। ये अपनी टेरिटरी और नेस्टिंग एरिया को डिफेंड करते हैं। इनकी टेरिटरी 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इनकी लाइफ स्पैन काफी लंबी होती है, ये 20 से 25 साल तक जीते हैं। मिलिए ब्यूटीफुल लॉरिकेट से। ये काफी वाइब्रेंट कलरफुल पैरट है। ये जाने जाते हैं अपने प्लेफुल पर्सनालिटीज और स्पेशलाइज्ड डाइट के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये काफी ब्राइट और कलरफुल फेदर्स के लिए जाने जाते हैं, डैजलिंग मिक्स ऑफ ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज फेदर्स के लिए। लॉरिकेट के ब्रश टिप्ड टंग काफी यूनिक है। ये इसका इस्तेमाल नेक्टर और पोलन को फ्लावर से लेने में करते हैं। ये एडिशनल टू नेक्टर एंड पोलन फ्रूट्स, बेरीज एंड ओकेशनल इंसेक्ट का भी सेवन भी करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेलेंट फ्लायर होते हैं। फूड की तलाश में ये लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइज इनसे मिलिए, ये है लाफिंग कुकुबारा। तो ये कुकुबारा ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है। ये जाने जाते हैं इनके डिस्टिंक्टिव कॉल दैट साउंड्स लाइक इकोइंग ह्यूमन लाफ्टर, इसलिए इन्हें लाफिंग कुकुबारा बोला जाता है। ये किंगफिशर फैमिली के पार्ट हैं और जाने जाते हैं इनके रोबस्ट बिल्ट, लार्ज हेड और स्ट्रॉन्ग बीक के लिए। ये कार्निवरस हैं। ये फीड करते हैं स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, स्मॉल मैमल्स और रेप्टाइल्स पर। Before anything that wriggles that they can fit in their mouth, they are going to eat it. Talking snakes, lizards, frogs, fish, rats, mice, birds, insects, anything that moves that they can fit in, they'll absolutely eat it. And they use that hook to kind of do a stabbing grab motion, and then they do something that is a little bit traumatizing if you've ever seen it before. They bash it as hard as they can. डिंगोज ऑस्ट्रेलिया के नेटिव वाइल्ड डॉग्स हैं। इन्हें इंट्रोड्यूस किया था सी फेरर्स द्वारा थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। सिंस देन ये ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। ये मीडियम साइज्ड कैनाइन विद लीन मस्कुलर बिल्ट, पॉइंटेड ईयर्स एंड बुशी टेल होते हैं। इनके फर टिपिकली गोल्डन और रेडिश ब्राउन होते हैं, कुछ ब्लैक टैन और व्हाइट कोट्स के भी हो सकते हैं। ये काफी अपॉर्चुनिस्टिक हंटर्स होते हैं, फीडिंग ऑन वाइड रेंज ऑफ प्रे इंक्लूडिंग स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। वैलबीज और कैंगरूज के बहुत जबरदस्त दुश्मन होते हैं, ये उनको हंटिंग करते हैं। लेकिन कैंगरूज और वैलबीज क्या करते हैं, जब इनको डिंगोज को देखते हैं कि वो अगर हमें चेस करते हुए आ रहे हैं तो वो भागते हैं पानी की तरफ, और जब ये पानी के अंदर चले जाते हैं तो जब डिंगोज आते हैं तो उसको पकड़ के उसके गले को दबा के डुबो के मारने की कोशिश करते हैं। टैस्मेनियन डेविल, ये कार्निवरस मार्सुपियल नेटिव है टैस्मेनिया के, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड स्टेट है। टैस्मेनियन डेविल जाने जाते हैं इनके स्टॉकी बिल्ट, ब्लैक फर और डिस्टिंक्टिव व्हाइट मार्किंग ऑन द चेस्ट एंड कई बार इनके फ्लैंक पर। इनकी काफी फियर्स रेपुटेशन है। इनके लाउड डिस्टर्बिंग स्क्रीचेस और एग्रेसिव बिहेवियर फीडिंग के समय, टैस्मेनियन डेविल स्कैवेंजर्स और हंटर्स होते हैं, फीडिंग ऑन कैरियन, स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और जो कुछ भी इन्हें मिल जाए ये उसे खा लेते। इनके जॉज और टीथ बहुत पावरफुल होते हैं। डिस्पाइट इनके फियरसम रेपुटेशन, ये रिलेटिवली इंसानों के बीच काफी शाय होते हैं और ह्यूमन के एनकाउंटर को अवॉइड करते हैं। स्पॉट टेल्ड क्वॉल, इसे टाइगर क्वॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कार्निवरस मार्सुपियल नेटिव है ऑस्ट्रेलिया में। ये कैरेक्टराइज्ड है इसके रेडिश ब्राउन फर विद व्हाइट स्पॉट्स जो कि कवर करते हैं इसकी बॉडी और टेल को। ये भी वॉम्बैट की तरह प्राइमरीली नॉक्टर्नल और एन एजाइल एंड सॉलिटरी हंटर होते हैं। स्पॉट टेल क्वॉल्स ऑपरचुनिस्टिक प्रेडेटर्स हैं, फीडिंग ऑन वाइड रेंज ऑफ प्रे जैसे कि स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। इसे भी लिस्ट किया है थ्रेटन्ड स्पीसीज में, प्राइमरीली ड्यू टू हैबिटेट लॉस, कंपटीशन विद इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज जैसे कि फॉक्स, कैट्स और पॉइजनिंग फ्रॉम बेट्स इंटेंडेड फॉर अदर एनिमल्स। नाइस एंड सनी वेदर, बहुत ही अच्छा वेदर है आज इस तरह के कंजर्वेटिव पार्क में आने में। नेटिव एनिमल्स एंड नेटिव बर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं यहाँ पर।
मिलिए इस क्यूट कोआला से। ये ऑस्ट्रेलिया के आइकॉनिक मार्सुपियल जाने जाते हैं टेडी बेयर लाइक अपीयरेंस के लिए, विद लार्ज राउंड ईयर्स एंड स्टाउट टेललेस बॉडी एंड अ लार्ज नोज। कोआलास के सॉफ्ट ग्रे टू ब्राउन फर होते हैं और व्हाइट चेस्ट होती है। ये आर्बोरियल होते हैं, मीनिंग ये ट्रीज पर रहते हैं, प्राइमरली ऑन यूकलिप्टस। कोआलास हर्बिवोरस होते हैं और इनको हाईली स्पेशलाइज डाइट होती है यूकलिप्टस लीव्स। इनकी मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होती है। ये 18 से 22 घंटे पर डे रेस्ट करते हैं या फिर सोते हैं इनकी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। जन्म के बाद ये माँ के पाउच में रहते हैं करीब 6 महीने तक। छोटे कोहला को जोईस के नाम से बुला जाते हैं। कोहला को फीड करना चाहते हैं या पैट करना चाहते हैं तो कोहला एनकाउंटर की टिकट ले सकते हैं जो कि $30 पर पर्सन के लिए अवेलेबल होती है। वेलबीज स्मॉल टू मीडियम साइज मैक्रोपोडिडाई फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं कैंगरूज और वेलरूज को। ये ऑस्ट्रेलियन नेटिव एनिमल है। वेलबीज जाने जाते हैं इनके स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स और लार्ज फीट के लिए जो कि ये इस्तेमाल करते हैं हॉपिंग के लिए। इनकी लंबी टेल होती है जिससे ये बैलेंस करते हैं और पाउच जहां फीमेल कैरी और नर्स करती हैं अपने यंग जोई को। जब आप एंटर करते हैं तो आपको मेन एंट्रेंस ऑफिस में ही वलबीज और कैंगरूज को फीड करने के लिए फूड मिल जाता है। अगर आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं और जिस तरह से मैं फीड कर रहा हूं आप ये फीडिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। गाइस जब मैं आपको मिलवाता हूं नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैंगरू से। कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट आइकॉनिक एनिमल है। ये बिलोंग करते हैं माइक्रोपोडिडाई फैमिली में। इनमें 4 मेन स्पीसीज पाई जाती हैं, रेड कैंगरू, ईस्टर्न ग्रे कैंगरू, वेस्टर्न ग्रे कैंगरू और एंटीलोपिन कैंगरूस। इनमें से रेड कैंगरूस लार्जेस्ट मार्सुपियल है। ये वर्ल्ड में जहां मेल को बोमस कहा जाता है, स्टैंडिंग अप टू 2 मीटर्स यानी कि 6.6 फीट टॉल और वे करते हैं 90 किलोस। कैंगरूज जाने जाते हैं इनके पावरफुल हिंड लेग्स जो कि अलाउ करते हैं एफिशिएंट हॉप करने में। ये कवर कर सकते हैं अप टू 9 मीटर्स यानी कि 30 फीट इन सिंगल बाउंड और रीच स्पीड ऑफ अप टू 56 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्ट्रॉन्ग टेल बैलेंस करने में मदद करती हैं हॉपिंग के वक्त और सपोर्ट करती हैं जब ये स्टैंड स्टिल या स्लो मूव करते हैं। ये हर्बिवोरस प्राइमरली ग्रास और लीव्स और श्रब्स खाते हैं। क्या आप जानते हैं कैंगरूज अपने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को डिले कर सकती हैं जब तक एनवायरनमेंट कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाती जोई के सर्वाइवल के लिए। और जब जोई पैदा होता है वो अपने 6 महीने स्टार्टिंग के माँ के पाउच में ही रहता है। और कैंगरूज अमूमन ग्रुप्स यानी कि मॉब्स में रहते हैं जो कि प्रेडेटर से उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। मॉब्स को यूजुअली मेल लीड करते हैं। पुकीला ऑस्ट्रेलियन स्वाम्प रैट जिसे कि हम कहते हैं चूहे। यहाँ के चूहे जो हैं ये भी काफी कम होते चले जा रहे हैं। ये जो जनाब हैं ये यही बता रहे हैं कि इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखने के लिए इन चूहों की भी जरूरत पड़ती है। ऑलराइट गाइस अब हम चलते हैं रेप्टाइल्स मून सैंक्चुअरी के अंदर। ओह माय गॉड लुक एट दिस वन, दिस वन इज द टाइगर स्नेक। हाईली वेनमस स्नेक नेटिव टू सदर्न ऑस्ट्रेलिया है इंक्लूडिंग टेस्मानिया। ये जाने जाते हैं इनके डिस्टिंक्टिव ब्रांडेड अपीयरेंस जो रिसेंबल करते हैं टाइगर के स्ट्राइप से। ये मीडियम टू लार्ज स्नेक 3.3 टू 4.9 फीट तक होते हैं लंबे। इनके ब्रॉड फ्लैट हेड और रोबस्ट बॉडी होती है। ये अधिकतर नियर वाटर जैसे कि स्वाम्स, रिवर्स, क्रीक्स के पास होते हैं मगर ये ग्रीनलैंड्स और अर्बन में भी पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल ऑल्सो नोन एज फ्रेशी नेटिव ऑफ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये रिलेटिवली काफी स्मॉल होते हैं कम्पेयर टू द लार्जर रिलेटिव्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मेल टिपिकली 7 से 9 फीट तक होते हैं और फीमेल 5 से 7 फीट तक के होते हैं। ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर के क्रोकोडाइल से काफी कम एग्रेसिव होते हैं। ह्यूमन पर अटैक काफी रेयर है और यूजली फेटल नहीं होते। ये यूजली शाई होते हैं और डिस्टर्ब होने पर ये भाग जाते हैं। फीमेल्स ड्राई सीजन में 13 से 20 एग्स तक देती हैं। इनकी डाइट मेनली फिश, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और छोटे रेप्टाइल्स होते हैं। ओवरऑल फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ब्लॉश ब्लू टंग लिजर्ड ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया और टेस्मानिया के नेटिव हैं। ये 50 से 60 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनके अपीयरेंस ब्लॉश ब्लू टंग ट्रायंगुलर हेड और शॉर्ट बॉडी होती है। इनके कलर वेरी करते हैं फ्रॉम ग्रे टू ब्राउन टू ऑलमोस्ट ब्लैक।
स्पेंसर मॉनिटर, इसे स्पेंसर्स गोआना के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ऑस्ट्रेलिया का नेटिव लिजर्ड है। ये टिपिकली 3 से 4 फीट तक लंबे होते हैं इंक्लूडिंग टेल। ये रोबस्ट बॉडी बिल्ट और पावरफुल लिम्स के होते हैं और इनकी लॉन्ग मस्कुलर टेल होती है। इनका कलर यूजुअली बेस ऑफ ब्राउन और ग्रे विथ डार्क बैंड्स या स्पॉट्स रनिंग अक्रॉस इट्स बैक एंड टेल होती हैं। ये कलर उनको अच्छे से कैमोफ्लेज होने में मदद करती हैं। ये प्राइमरीली ग्राउंड पर रहते हैं। ये एक्टिव और एजाइल हंटर होते हैं। ये अपने स्ट्रॉन्ग लिम्स और क्लॉज का इस्तेमाल गड्ढा खोदकर फूड खोजते हैं। ये इंसेक्ट, स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का शिकार करते हैं। स्पाइनी लीफ इंसेक्ट, जैसे कि इनके नाम में सजेस्ट करता है, इनकी बॉडी शेप और टेक्सचर रिजेंबल करते हैं ड्राइड या डिकेइंग लीफ। स्पाइनी लीफ इंसेक्ट कंप्लीट विद स्पाइंस जो कि मिमिक करती हैं लीव्स एज। कलर इनका ग्रीन से ब्राउन होता है जो कि इनको अच्छे से सराउंडिंग्स में ब्लेंड करता है। फीमेल्स सिग्निफिकेंटली मेल्स से बड़ी होती हैं, रीचिंग अप टू 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, जबकि मेल 11 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये फीड होते हैं यूकेलिप्टस, बैम्बल्स, ओक्स और रोज प्लांट से। इनके स्ट्रॉन्ग च्यूइंग माउथ पार्ट होते हैं जो कि इनको सूट करते हैं इनके डाइट को। Few reasons: A, to be comfortable when they're producing the eggs, but also to be mistaken for a scorpion. Downy crowned honey eater. ये रिलेटिवली स्मॉल, मेजरिंग 17 टू 21 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑस्ट्रेलिया की नेटिव बर्ड है। इनकी डिस्टिंक्टिव टर्नी या रेडिश ब्राउन क्राउन होती है जो कि कॉन्ट्रास्ट करती है डार्क फेशियल मास्क और व्हाइट टू पेल ग्रे अंडरबॉडी। इनके कलरेशन हेल्प करती है इनको नेटिव शब्लैंड से अच्छे से ब्लेंड करने में। ये बर्ड्स जानी जाती हैं इनके मेलोडिक कॉल्स के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। गाइज, ये है सिंगल बैक स्किंक। इसे सिंगल बैक लिजर्ड या बॉबटेल लिजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये लार्ज स्लो मूविंग स्किंक ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं। ये ब्लू टंग्ड स्किंक के ग्रुप में होते हैं। ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल हैं इसके डिस्टिंक्ट हेविली आर्मर्ड बॉडी विथ लार्ज रफ स्केल्स और शॉर्ट स्टम्पी टेल जो कि इसके हेड को रिसेंबल करता है। ये इनके प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करता है। इसके हेड ब्रॉड और ट्रायंगुलर शेप विथ ब्लू टंग होते हैं। ये अपने ब्लू टंग को अपने डिफेंस में यूज करते हैं। ये लिजर्ड्स टिपिकली 12 टू 16 इंचेस लेंथ के होते हैं। ये जाने जाते हैं इनके स्लो डेलिबरेट मूवमेंट्स के लिए। ये प्लांट्स, फ्रूट्स और इंसेक्ट का सेवन करते हैं। ये मोनोगमस पेयर बॉन्डिंग करते हैं, अपने पार्टनर के साथ सालों साल तक रहते हैं। ब्रीडिंग के सीजन के समय ये पेयर साथ ही घूमते हैं और नजर आते हैं। फीमेल्स टिपिकली 1 से 4 बच्चे पैदा कर सकती है। कार्पेट पाइथन, ये नॉन वेनमस स्नेक ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है। इनके डिस्टिंक्टिव पैटर्न होते हैं जो कि रिसेंबल करते हैं कार्पेट टेक्सचर को, इसलिए इसे कार्पेट पाइथन का नाम दिया गया है। ये रिलेटिवली लार्ज, टिपिकली 6 से 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ड्यू टू देयर साइज एंड स्ट्राइकिंग अपीयरेंस ये काफी पॉपुलर है पेट ट्रेड में। ये मैमल्स, बर्ड्स और ओकेशनली रेप्टाइल्स का सेवन करते हैं। And I'd like to welcome you to experience conservation in action. These Aussie icons are just the start of the amazing animals we are lucky enough to live alongside, the first of which being the marsupials. Now, marsupials are mammals that are born really small and need to climb up into their mother's pouch, which is where they live until they're too big for mum to carry. पॉसम मार्सुपियल नेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनके ओवर 70 स्पीसीज पाई जाती हैं, रेंजिंग फ्रॉम टाइनी पिग्मी पॉसम टू लार्जर बुशटेल और रिंगटेल पॉसम। ये सॉफ्ट थिक फर, लार्ज आईज और प्रिमसल टेल के होते हैं जो कि ये इस्तेमाल करते हैं ब्रांचेस को ग्रास करने में। ये जनरली नॉक्टर्नल और आर्बोरियल एनिमल है। ये फीड होते हैं लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स और इंसेक्ट से। इनके बच्चे इनकी माँ के पाउच में बड़े होते हैं। माँ का एक या मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं। इनसे मिलिए, ये है टाउनी फ्रॉग माउथ। ये एक यूनिक और फैसिनेटिंग ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है। डिस्पाइट इसके आउल लाइक लुक अपीयरेंस के, ये आउल्स नहीं है। ये नाइट जार फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये जाने जाते हैं इनके एक्सलेंट कैमोफ्लेज और डिस्टिंक्टिव वाइड माउथ अपीयरेंस के लिए। ये मीडियम साइज्ड बर्ड्स हैं, टिपिकली 34 टू 53 सेंटीमीटर लॉन्ग और
विंग स्पैन के साथ अप्रोक्सीमेटली 65 सेंटीमीटर। ये वे करते हैं 175 टू 680 ग्राम्स तक। मेल्स जनरली लार्जर देन फीमेल्स होती हैं। इन्हें मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज भी कहते हैं। दिन में दे पर्च मोशनलेस ऑफन इन अ वर्टिकल पोजीशन, रिसेंबल्स करते हैं ब्रोकन ब्रांच या किसी पेड़ का हिस्सा लगते हैं। कैमोफ्लेज कैरेक्टर इनको अपने प्रे से बचाने में मदद करते हैं। ये यूजली पैर में ही पाए जाते हैं। इनके क्वाइट नेचर के लिए भी जाने जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स नहीं होते हैं मगर हंटिंग के वक्त शॉर्ट डिस्टेंस ग्लाइड करते हैं। So all he has to do is exactly what he's doing now. Close those big yellow eyes, stretch his body up nice and straight and hold really still. मिलिए वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड कैकटूस से। ये एक डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ पैरट है। ये जाने जाते हैं इनके स्ट्राइकिंग क्रेस्ट और वाइब्रेंट पर्सनालिटी के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव बर्ड हैं और इनके 21 स्पीसीज होती हैं। ये फेमस होती हैं अपने इंटेलिजेंस, लाउड कॉल्स और स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स के लिए। इनका क्रेस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है। ये 40 से 60 साल तक जीते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स तो 80 साल तक भी जीते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट कैपेबल होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, टूल्स यूज करने में और ह्यूमन स्पीच को मिमिक करने में। तो आइए देखते हैं इनके करतब। However, Alinta is a double threat. He not only has the beauty, he has the brains to match. Cockatoos are known for being incredibly intelligent. They are good at problem solving, great at directions, and fantastic at remembering where important resources are. They can mimic human speech, so to say that Linta is a cheeky bird is a massive understatement. He needs a lot to show off, don't you? Yeah. He can twirl like a beautiful ballerina. He even has his pink tutu to match. And Alinta knows he has something that makes him really special because he has it and no one in the audience has. Alinta, what have you got that they don't? He has wings. Let's do that again here, shall we? What have you got? Good boy. And being such a smarty pants, he even knows his manners. He knows to wave goodbye. What a dinner. And a lot over here as well. Good boy. And most importantly, for a show start, he knows when it's his turn. ईस्टर्न लॉन्ग नेक्ड टर्टल, इसको स्नेक नेक्ड टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रेश वाटर स्पीसीज ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं। ये इनके अनयूजुअली लॉन्ग नेक के लिए जाने जाते हैं जो कि कई बार इनके शेल से भी लंबे होते हैं। ईस्टर्न वाटर ड्रैगन नेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनकी रफ स्केली स्किन होती है और ये ग्रे टू ब्राउन कलर के होते हैं। ये अक्सर धूप सेकते हुए रिवर्स, क्रीक्स और लेक्स के आसपास नजर आ जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग स्विमर्स और क्लाइंबर्स होते हैं और अपने प्रे से बचने के लिए ये पानी में अप टू 90 मिनट्स तक सबमर्ज्ड रह सकते हैं। ग्रेटर सूटी ऑल एक मीडियम टू लार्ज ऑल स्पीसीज नेटिव टू द फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये जाने जाते हैं इनके स्ट्राइकिंग डार्क अपीयरेंस और हंटिंग कॉल्स। इनका आकार 37 टू 43 सेंटीमीटर लंबा और विद विंग स्पैन 100 टू 120 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। फीमेल जनरली मेल से लार्जर होती हैं और वे करती हैं तकरीबन 1.2 किलोग्राम्स। इनका डिस्टिंक्टिव फीचर इनका लार्ज राउंडेड फेशियल डिस्क है जो कि पेल टू डार्क ग्रे जो इनकी बॉडी को कंट्रास्ट करते हुए होता है। इनके लार्ज डार्क आईज होते हैं जो कि इनको एक भूतिया अपीयरेंस देती है। आप देख सकते हैं एकिडना, इनको स्पाइनी एंटीटर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये मैमल्स के फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनमें चार स्पीसीज होते हैं जिनमें से मोस्ट कॉमन है शॉर्ट पीक्ड एकिडना। इनको बॉडी कवर्ड होती है विद कोर्स हेयर एंड स्पाइन से। इनके स्पाइंस जो कि मॉडिफाइड हेयर्स होती हैं जो कि अबाउट 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग जो कि इनको प्रेडेटर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज करते हैं। इनके स्मॉल एलोंगेटेड स्नाउट और स्टिकी लॉन्ग टंग होते हैं जो कि ये एंट्स और टर्माइट्स को कैप्चर करने में करते हैं। ये 30 से 45 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। एकिडनास एग्स देते हैं बजाय बेबी एकिडनास के। आफ्टर मेटिंग माँ एक सिंगल लेदरी एग ले करती है अपने पाउच में। एक 10 दिनों में हैच होता है और माँ के पाउच में कई हफ्तों तक रहता है। बेबी एकिडना को पुगल कहते हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू नॉट गो विदाउट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय फॉर नाउ।